तो 2 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे महात्मा गांधी स्टैचू के पास ये अभियान, एक समावेश, एक प्रोग्राम, इसके बारे में जागरूक कराने के लिए, समाज को जागरूक कराने के लिए बीआर पाटिल साहब और हमारे उड़गी साहब, आप गाला साहब, दीपक गाला साहब और पूरे हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं, इनकी नेतृत्व में रिलीजियस हेड्स, ये लोगों को सबको इनवाइट कर एक जागृति का एक समावेश, एक प्रोग्राम किया जा रहा है। 2 तारीख को गांधी जी के जो स्टैचू है टाउन हॉल के सामने, हम सब लोग एक दिन के लिए वहाँ पर हम बैठ रहे। देश पूरे पूरा देश में नशा मुक्त होना चाहिए। ये नशे से हमारा नौजवान बच्चे बर्बाद हो रहे, बेकार बन रहे। कितने महिला मर्द को खोलिए, बच्चों को खोलिए, बहुत बड़ा समस्या है। उम्मीद है ना कोई आशा है, हर तरफ निराशा है, बर्बाद तुम्हें ये कर देगा, नशे की यही परिभाषा है। तो हम समाज में जागृति लाना चाह रहे हैं इस समिति के जरिए से। नशा मुक्त भारत जागृति अभियान का ऑब्जेक्ट ये है कि समाज में जागृति लाए, समाज में एक अवेयरनेस लाए। बार बार ये क्वेश्चन हो रहा है कि हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में क्यों आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं बैन करा रहे हैं। हमारा समिति का ऑब्जेक्ट मकसद ये है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, यूजुअली वही योजना बनाती है जो लोगों की जनभावना है, लोगों की क्या फीलिंग है, ये देखकर गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बनाती है। तो हमारी समिति का ऑब्जेक्ट ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, एक सोशल रिफॉर्म लेकर आए, अपने तरफ से एक रिफॉर्म लेकर आए। महिला सबलीकरण के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में हमारी सरकार कटिबद्ध है, कमिटेड है। ये भी एक सवाल महिला सबलीकरण के बारे में आता है। अगर घर अच्छा रहा तो परिवार अच्छा रहता, बच्चे अच्छा रहता, मर्द अच्छा रहता। घर में ही प्रॉब्लम हो गया तो सारे बिगड़ जाते। तो सबलीकरण का जो बात है इसको अप्लाई होता है। आप महिलाओं को बस का फ्री पास दे रहे, महिलाओं को गृहलक्ष्मी में आप 2,000 रुपये में घर चलाने के लिए दे रहे, लेकिन आप 36,000 करोड़ रुपया पैसा उनके तरफ से छीन ले रहे आप। ये सही नहीं है। नशा मुक्त भारत जागृति आंदोलन बीआर पाटील सर धन्यवाद। नशा मुक्त अंतंद्रे अद दिवस एर दिवस केस अल वर्ष एर वर्षदू आगतकलस अल जागृति अंत बहुत लांग टर्म प्रोसेस। ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ನಶೆಯಿಂದ ಬಹಳ ನರಳ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ 90% ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ. ಆಕೆ ಗೌಂಡರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಕಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು, ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಂಥ ಮಹಿಳೆ ಈ ನಶಾಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗಿತ್ವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಬ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಡ್ರಗ್ ಆಜ್ ನೌಜವಾನ್ ಡ್ರಗ್ ಮೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹೈ, ಮಹಿಳಾ ಪರೇಶಾನ್ ಹೈ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋ ರಹೇ ಹೈ, ಕ್ರೈಮ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಯೇ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇ, ಸಮಾಜ ಮೇ ಏಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಆನಾ ಹೈ. ಸಮಾಜ ಮೇ ಅಗರ್ ಜಾಗೃತಿ ಆಯೇಂಗಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಯೇಂಗಾ, ತೋ 100% ಯಹೀ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಸಮಾಜ ಮೇ कि हमें एक स्वस्थ समाज के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हमें नशा मुक्त करना है। इस ये अभियान का यही मकसद है। अभियान पैरेलली हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को ये एक सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट भी करा रहे हैं और गवर्नमेंट को जनता की भावना भी बता रहे हैं। जो हमारे महिला लोग गांव में हम जाते हैं, विशेष तौर पे दलित कॉलोनी में, तांडा में, गरीबों के कॉलोनी में, हमारे बहनें ये कहते हैं कि
आपका पैसा नको, आपका चावल नको, आपका कोई कुछ भी मत नको, हमारा दारू बंद करिए, एक ही मांग है। महिला महिला इतना तबाह है कि कहीं महिला घर छोड़ के गुलबर्गा शहर में कोई बर्तन धोने का काम करे, कपड़ा धोने का काम करे, कोई घर की सफाई, सारे महिलाओं के पीछे एक एक कहानी है। इसके बारे में हम जागृत करने के लिए मुहिम उठाए। सोशल वेलफेयर स्टेट बोले तो नशा नहीं रहना, हर आदमी खुशी से रहना, हर फैमिली खुशी से रहना। अब दारू का देखो, WHO के रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना, 2,60,000 लोग हमारे देश में ईयरली मरते हैं बिकॉज ऑफ दारू, दारू से कैंसर, एक्सीडेंट वगैरह से। ये रिपोर्ट WHO का है, वहाँ पर आंकड़े कितने खाई गए होंगे, गलत गए होंगे, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये अटेंट के हम पकड़ेंगे। तो डेली एवरेज जो है ना, 732 लोग मर रहे हैं हमारे देश में दारू के वजह से, नशे के वजह से 732 लोग डेली मर रहे हैं। बोले तो लिवर क्लेरोसिस है, कैंसर है, हर चीज़ से। तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो, हम इंसानियत देखो, रेवेन्यू कलेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू किसी को जहर पिला के कलेक्ट करना, जहर के किसको पिला के कलेक्ट करना, ये कौन सा इंसाफ है मेरे को बताओ। ये हमारा कंसेप्ट क्या रहना, सोशल वेलफेयर स्टेट रहना, हर आदमी खुशी से रहना। दारू से ये जो है कितना जो है ना, ये होता है बोले तो क्राइम रिलेटेड होता है, क्राइम भी इससे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है दारू से। दारू से जो है ना, कोई भी जो है ना संसार या फैमिली उसका पीस ही चले जाता है। हर फैमिली पीस के रहने का हर एक को अधिक ये हक है, उसको हर एक को रहने का।